उम्मीद आप सब कैरियत से होंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ दम वाला ढाबा स्टाइल में आलू कीमा। तो आप इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। 1/2 kg बीफ कीमा, 2 लार्ज प्याज स्लाइस किए हुए, 3 अदद मीडियम साइज टमाटर पेस्ट, 3 अदद आलू, 1/2 कप दही, 1/2 कप ऑयल, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन पेस्ट, ग्रीन चिलीज 2 से 3 अदद, गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा हरा धनिया ले लें, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 छोटी इलायचियाँ और साबुत काली मिर्चें 3 से 4 अदद, धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर, कसूरी मेथी 1/2 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून नमक हसबे जायका। तेल गरम हो गया, अब हम इसमें दालचीनी ऐड कर देंगे, इलायचियाँ ऐड कर देंगे, साबुत काली मिर्ची ऐड कर देंगे, फ्राई करेंगे। प्याज फ्राई कर लेते हैं। प्याज सॉफ्ट होने तक फ्राई करूंगी। प्याज सॉफ्ट हो गए, अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, फ्राई करेंगे, टमाटर का पेस्ट ऐड कर देंगे, अपने सारे स्पाइसेस ऐड कर देंगे, कीमा ऐड कर देंगे, हल्की सी भुनाई करेंगे, आलू ऐड कर देंगे, हल्का सा भुनाई कर लेंगे, दही ऐड कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे, 2 कप पानी ऐड कर देंगे, और इसको 20 से 25 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे पका लेंगे। 20 से 25 मिनट हो गए हैं, मैं चेक करती हूँ। देखिए अब हमारा कीमा भी गल गया और आलू भी गल गए, तो अब हम ग्रीन चिलीज ऐड कर देंगे, हरा धनिया ऐड कर देंगे, कसूरी मेथी को आप ऐसे मसल के ऊपर हल्का सा डाल दें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। 8 से 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे मैं इसको दम पे लगाऊंगी और फिर इसको डिश आउट करती हूँ।